अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद नफीस एंड वेलकम बैक टू 5G एजुकेटर्स यूट्यूब चैनल। गाइस, तो गाइस आज की वीडियो में मैं मौजूद हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं रेक सिटी में मौजूद हूँ। ये फैसलाबाद की बल्कि पाकिस्तान की एक बड़ी मार्केट है कंप्यूटर के लिहाज से, लैपटॉप्स के लिहाज से। आपको यहाँ से हर चीज़ जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होती है, जो यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। तो गाइस पिछले साल भी मैंने आपको एक ऐसी वीडियो बना के दिखाया था कि जिसमें आपको मैंने बेहतरीन लैपटॉप बता दिए थे, एक अच्छे बजट में आपको अच्छे लैपटॉप जो हैं वो मैंने उस वीडियो में आपको दिखा दिए थे। तो गाइस आज मैं मौजूद हूँ मिस्टर लैपटॉप पॉइंट की तरफ, तो देखते हैं। ये देखें मिस्टर लैपटॉप पॉइंट एक बहुत ही बेहतरीन और अच्छी शॉप है रेक सिटी में, जो कि आपको एक बेहतरीन जो आपको सजेस्ट करेंगे आपके लिए बेहतरीन लैपटॉप्स कौन से हैं। आप यहां से आके बाय भी कर सकते हैं अपने लैपटॉप्स, और यहां से आपको अच्छी सजेशन, आप अगर आप स्टूडेंट हैं, एक ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, अगर आप टीचर हैं, या आप अगर प्रोग्रामर हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेट्स बिगिन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेक सिटी में एक बड़ी शॉप है ये मिस्टर लैपटॉप पॉइंट, जहां से आप हर किस्म का लैपटॉप बाय कर सकते हैं। हर ब्रांड का लैपटॉप हमारे पास यहां पे अवेलेबल है, तोशीबा, डेल, एचपी, एसर, हर किस्म का यहां पे लैपटॉप अवेलेबल है। लोएस्ट से हाईएस्ट रेंज तक हर किस्म का लैपटॉप यहाँ से आपको मिल सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर शाहद, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि कौन से लैपटॉप जो है वो बेस्ट हैं। भाईजान कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप बताएंगे कि ये लैपटॉप आप कौन सा रिकमेंड करेंगे, स्टूडेंट्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स या होमवर्क के लिए? जो इकोनॉमी क्लास में आता है ये सबसे बेस्ट मशीन है स्टूडेंट के लिए। ये डेल की मशीन है 5420, ठीक है, और ये सेकंड जनरेशन है जो कि स्टूडेंट के लिए सबसे बेहतरीन है और ऑनलाइन स्टडी के लिए सबसे बेस्ट मशीन है। ये वाली इकोनॉमी क्लास में ही आती है और कम खर्च में अच्छी मशीन ये मिलेगी आपको। ये वाली तो इसमें क्या क्या आपके पास ये चीज़ें हैं बता सकते हैं प्लीज़? इसमें जो स्पेसिफिकेशन इसकी है वो है कोर i5 में सेकंड जनरेशन है। इसका 2.4 GHz प्रोसेसर है, ठीक है, और ये 4 MB कैश के साथ प्रोसेसर इसका होता है, और इसमें 4 GB DDR3 RAM है और 320 GB इसमें हार्ड ड्राइव लगी हुई है, SATA हार्ड ड्राइव लगी हुई है। बाकी इसमें फीचर कीबोर्ड लाइट है, इसका कैमरा होता है, ठीक है, और इसके 2.5 से 3 घंटे बैटरी बैकअप इसका होता है। तो जो कि स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट मशीन है ये वाली। तो देखें कि इसका थोड़ा सा रिव्यू हम करके दिखाते हैं कि ये मशीन की शेप भी अच्छी है काफ़ी, और ये काफ़ी खूबसूरत होने के साथ साथ इसमें आपने जो क्वालिटीज़ बताई हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। अगर स्टूडेंट्स बाय करना चाहते हैं तो इसकी क्या जो आपके इसकी प्राइस क्या है? इसकी जो प्राइस नॉर्मल चल रही है वो 22,000 में ये इजिली अवेलेबल है इसमें मार्केट में, ये हमारे पास अवेलेबल है और क्वान्टिटी में अवेलेबल है हमारे पास। अगर स्टूडेंट्स आप बाय करना चाहते हैं तो आप यहाँ से आके ये लैपटॉप जो है वो बाय कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी लुक भी है इसकी और साथ आपको काफ़ी अच्छी इसमें स्पेसिफिकेशंस भी मिल सकती हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इस लैपटॉप की। इसके बाद ना ये इंडक्शन सीरीज में आती है, फोलियो सीरीज है मशीन ये वाली। इसकी स्पेसिफिकेशन में कोर i5 है, 4th जनरेशन है और ये टर्बो बूस्ट प्रोसेसर के साथ है। इसमें 4 GB रैम है और 180 GB SSD के साथ है। इसमें इंटेल की 180 GB SSD लगी हुई है। इसमें बैकलाइट है, फिंगरप्रिंट है और ये स्लीक डिज़ाइन में अवेलेबल है और बड़ी खूबसूरत मशीन है। बहुत ही स्मार्ट और स्लिम किस्म का ये लैपटॉप है, काफ़ी खूबसूरत शेप के साथ। ये देखें कि इसकी काफ़ी जो शेप है काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो ये किस कैटेगरी के लोगों के लिए बेहतरीन है और इसकी प्राइस से आप क्या बता सकते हैं? ये जो हाई एंड के कस्टमर हैं उनके लिए हम रिकमेंड करते हैं वाली, और बिजनेस सीरीज में ये मशीन है तो इसके लिए ये बेस्ट मशीन है। एग्जैक्टिव सीरीज में ये मशीन आती है और ये अच्छी मशीनों में शुमार होता है इसका, ठीक है। तो ये देखें कि ये भी काफ़ी अच्छा लैपटॉप है जो कि भाई ने आपको दिखाया है। ये भी इसकी शेप जो है वो सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्टिव लग रही है और ये बिज़नेस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए लैपटॉप हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट लैपटॉप की। नेक्स्ट इसमें है कि ये जो हाई एंड के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए है, ये कोर i5 3rd जनरेशन में मशीन है, ठीक है। इसका 2.6 GHz प्रोसेसर इसमें है और इसमें भी 4 GB रैम है और 320 GB हार्ड ड्राइव के साथ है। इसके मॉडल को आप बता सकते हैं प्लीज़? इसका मॉडल डेल लैटिट्यूड 6330 मॉडल इसका है और 9 सेल बैटरी के साथ इसकी मशीन है, और इसमें फीचर बड़े खूबसूरत हैं। इसमें कीबोर्ड लाइट भी है और आपकी सेफ्टी के लिए इसमें फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ साथ में। तो इसकी बैटरी कितनी देर जो है वो आपका 9 सेल बैटरी है, ये आपकी 3-4 घंटे आराम से निकालती है मल्टी मीडिया के ऊपर आपकी ना। तो नेक्स्ट आपके पास HP है, HP में आप क्या बताएंगे? HP जो है जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल लोग HP को बहुत रिकमेंड कर रहे हैं और बहुत लाइक करते हैं इसकी शेप्स, और HP का जो एक व्यू है लोगों के माइंड में यही है कि HP जो है वो बाकी मशीनों से आजकल बेहतर चल रही है। तो ये लैपटॉप के बारे में आप क्या बताएंगे? ये भी HP की प्रो बुक है और ये प्रोफेशनल लैपटॉप है, प्रोफेशनल लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें भी कोर i5 4th जनरेशन का प्रोसेसर है, टर्बो बूस्ट, ये 4 GB रैम और इसमें 500 GB हार्ड ड्राइव के साथ है, ठीक है, और ये इसका भी अच्छा खासा अच्छा बैटरी बैकअप और प्रोफेशनल यूज़र के लिए ये लैपटॉप है ये वाली।
तो ये भी जो एच पी की तरफ से जितनी भी आप शेप्स देख रहे हैं ये कमाल शेप्स हैं, ठीक है। इसकी आप प्राइस क्या बता रहे हैं? ये लैपटॉप सुखा था कुछ 37 की रेंज में। 37 तो देखें कि काफ़ी अच्छी शेप के साथ ये आपको स्पेसिफिकेशंस भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास अगेन मौजूद है एचपी, इसकी प्राइस चेक करते हैं। एचपी की ही मशीन है और ये कोर i5 में थर्ड जनरेशन में आती है। ओके, स्टूडेंट और बिजनेस आजाद के लिए जो है अच्छी मशीन है। इसमें भी 4GB रैम है और 320GB हार्ड ड्राइव के साथ है और इसमें भी फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है साथ में दिया हुआ और मेटल बॉडी के साथ ये मशीन है वाली। ये मेटल बॉडी है इसकी? जी बिल्कुल, स्क्रैचलेस होती है मेटल बॉडी। तो आप ये बता सकते हैं कि इनमें से जो स्टूडेंट्स के लिए जो बेहतरीन है वो ये था एक? हाँ जी, ये फर्स्ट वाली मशीन है। फर्स्ट वाली मशीन जो आपने दिखाई है काफ़ी बेहतरीन थी। इसके साथ ये हमारे पास एक बिजनेस प्रोफेशनल और ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए के साथ साथ ये प्रोग्रामर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। इसके बाद हमारे पास डेल लैटिट्यूड आ जाता है 6330, ये भी काफ़ी अच्छा लैपटॉप आपने अभी दिखाया है। तो गाइज नेक्स्ट हमारे पास डेल की एक बहुत ही खूबसूरत मशीन भाई ने मेरे पास रखी हुई है। ये देखते हैं, इनके बारे में पूछते हैं कि इसमें क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और ये क्या चीज़ है, उसमें क्या क्या फीचर्स आपको अवेलेबल हैं। ये गेमिंग मशीन है, ये गेमिंग डेवलपिंग मशीन है। इसमें है कोर i7 जनरेशन हेक्साकोर प्रोसेसर है इसमें और इसमें 16GB रैम DDR4 लगी हुई है और 512GB इसमें आपकी SSD है और ये 4K रेजोल्यूशन इसकी IPS LED के साथ है और टच स्क्रीन है और उसमें 4GB NVIDIA ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। 4GB इसमें ग्राफिक कार्ड है, यानी कि ये ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए बहुत ही परफेक्ट है। डेवलपिंग के लिए दिस बेस्ट मशीन। तो इसका मॉडल आप बता सकते हैं प्लीज? इसका मॉडल है ये डेल प्रेसिजन सीरीज है 5520 इसका मॉडल है। 5520, ठीक है। तो इसका प्राइस क्या है आपके पास? ये प्राइस आपको मिलेगी 150 की रेंज में। ये 150, तो काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। अगर आप डेवलपर हैं, अगर आप गेमिंग डेवलप कर रहे हैं, अगर कोडिंग कर रहे हैं, अगर आप ग्राफिक के साथ वर्क कर रहे हैं तो आपके पास ये काफ़ी अच्छा और खूबसूरत लैपटॉप है। इसकी शेप अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छी शेप में ये हमारे पास एक स्लिम बिल्कुल और ये काफ़ी अच्छा लैपटॉप भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद था। नेक्स्ट में हमारे पास एक छोटा साइज़ का डेल है, ये आप जो है ये भी आप इसके बारे में बता दीजिए। ये भी डेल की गेमिंग मशीन ही है, ठीक है। इसमें भी कोर i7 जनरेशन है और इसमें भी 16GB रैम है और 256 इसमें SSD लगी है, NVMe लगी हुई है और ये टच स्क्रीन के साथ है और इसकी भी 4K रेजोल्यूशन है और टच स्क्रीन है, IPS LED के साथ है, इसमें बैकलाइट भी है और ये 8MB कैश के साथ प्रोसेसर इसका है। ये हाई एंड मशीनों में शुमार होती है ये मशीन। ये स्मार्ट होने के साथ साथ इसकी जो स्पेसिफिकेशंस बताई गई हैं बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशंस हैं। इसकी 16GB रैम है और ये डेवलपर्स के लिए और गेमर्स के लिए बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। इसके अलावा हमारे पास नए ब्रांडिंग लैपटॉप हैं जो कि डुअल कोर से लेके और कोर i7 11 जनरेशन तक अवेलेबल, यानी कि आप जो ब्रांड न्यू 0 मीटर जिसको हम कह देते हैं पाकिस्तानी लोग, तो ये आपके पास हर किस्म का जो लैपटॉप है यहाँ पे आपके पास मौजूद है जो कि यहाँ पे आम लोगों के पास मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे ये HP के बारे में? ये भी HP की मशीन है और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू टाइप मशीन है लेकिन ये ओपन बॉक्स में है। कोर i5 है, इसमें 6 जनरेशन है और इसमें 8GB रैम DDR4 है और 500GB SATA हार्ड ड्राइव के साथ है और ये फुल एचडी डिस्प्ले के साथ है, 1080 रेजोल्यूशन की है। तो काइंडली इसका आप मॉडल बता सकते हैं? इसका मॉडल है जी 250G5 मॉडल है, HP की मशीन है, 250G5, ठीक है। इसकी प्राइस? ये राउंड बोर्ड आपको मिलेगी तकरीबन 58 की रेंज में मिलेगी, 58 की रेंज में आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास अगेन HP है। ये इसी तरह HP की ये लीडबुक सीरीज है, ये भी कोर i5 6th जनरेशन ही है, इसमें भी 8GB रैम है और 256 इसमें M2 लगा हुआ, SSD लगी हुई है, इसमें भी कीबोर्ड लाइट है और ये फुल एचडी डिस्प्ले के साथ है और इसमें फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी साथ दिया है इन्होंने। तो आपके पास सबसे लो बजट जो आपके पास लैपटॉप है काइंडली वो भी मुझे दिखा दें। तो मैंने जैसा कि भाई को कहा था कि मुझे सबसे लो बजट जो कि लोग अक्सर फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि यार सबसे सस्ता लैपटॉप कौन सा है, वो भी आप मुझे बता। ये भी डेल की ही मशीन है और ये कोर i5 में फर्स्ट जनरेशन है, इसमें भी 4GB रैम है, 250GB हार्ड ड्राइव के साथ है और इसकी भी 9 सेल बैटरी के साथ है और ये तकरीबन कम बजट में ये 18,000 रुपये की रेंज में, 18,000 का ये सबसे लोअर बजट जो हमारे पास लैपटॉप में है, जो आई सीरीज में है वो सबसे लोएस्ट ही है। आई सीरीज में i5 है और इसमें ये हमारे पास i5 में काफ़ी हमें सस्ता लैपटॉप ये हमें मिल सकता है। इसका मॉडल काइंडली बता दें? ये डेल की मशीन है, 6510, आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से आके आप इसको बाय भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी मशीन आपने मुझे दिखाई हैं यहाँ पे। तो क्या आप यहाँ पे अगर आपके पास लैपटॉप की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं रिपेयरिंग भी करते हैं? हमारी यहाँ पे प्रॉपर एक रिपेयरिंग लैब भी है, यहाँ से मदरबोर्ड से लेके हम तमाम इसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी हमारे पास है। तो हर तरह के लैपटॉप जो है, गेमिंग हो या बिजनेस सीरीज हो या कोई भी लैपटॉप हो, हम इजीली रिपेयर यहाँ पे अवेलेबिलिटी हमारे पास, हर तरह के पार्ट्स अवेलेबल है हमारे पास। तो हमारी प्रॉपर एक वर्कशॉप है यहाँ पे, हमारा सारा सिस्टम अवेलेबल है हमारे पास।
जी हाँ गाइज, तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ब्रांड न्यू लैपटॉप्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको हर किस्म का लैपटॉप किसी भी मॉडल का अगर आपको चाहिए हो तो यहाँ से आप ब्रांड न्यू बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ लैपटॉप्स पड़े हुए हैं, इनकी स्पेसिफिकेशंस को देखते हैं और इनके बारे में देखते हैं कि भाई क्या रिव्यूज़ देते हैं और कौन सा लैपटॉप इनमें से बेस्ट होने जा रहा है। अच्छा, ये सबसे बेस्ट लैपटॉप आया है जो नए प्रोसेसर के साथ हैं। राइजन सीरीज़ आई है HP की, NV सीरीज़ में ये राइजन सीरीज़ है, ठीक है। और ये 10th जनरेशन के साथ हैं। इसमें 8 GB रैम है DDR4 और इसमें 256 NVMe SSD लगी हुई है और इसमें 2 GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी है और IPS LED है और आप इसको 360 पे रोटेट करके एज ए टैबलेट PC भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर टैबलेट PC है और आपका ये फुल PC भी है साथ में, ठीक है। और ये राइजन प्रोसेसर सबसे बेस्ट प्रोसेसर है इस वक्त। इसी तरह ये गेमिंग सीरीज़ भी है और बिजनेस सीरीज़ भी है। इस तरह आगे आप आ जाएंगे तो इसमें पवेलियन सीरीज़ में ये गेमिंग मशीन है, ठीक है। और ये इसका मॉडल है HP पवेलियन 15 है, ठीक है। और ये PC पावर के नाम से इसका मॉडल जाना जाता है। ये भी कोर है 7 में 8th जनरेशन हेक्सा कोर है। इसमें 16 GB रैम है और 1 TB हार्ड ड्राइव के साथ है और इसमें 4 GB का NVIDIA ग्राफिक कार्ड लगा हुआ 1050 Ti के साथ है। यानी कि ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए भी बेस्ट है, प्रोग्रामर्स के लिए, गेमिंग डेवलपिंग के लिए भी सबसे अच्छी मशीन है ये वाली। ओके, डेवलपर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा लैपटॉप है ये। इसी तरह ये नए ब्रांड न्यू में आ जाएगा फोलियो सीरीज़ है। इसमें है फोलियो सीरीज़ है, कोर i5 8th जनरेशन है। इसमें 16 GB रैम है और 250 GB SSD है। ये भी टच भी है, कंप्लीट रिव्यू आप यहां पे दिखाएं, बहुत ही अच्छा और स्लिम किस्म का है और 360 भी है। इसमें एक नया फीचर आया कि आप इसमें प्राइवेसी फ़िल्टर लगा हुआ है कि आप इसको सामने अपने 190 एंगल से देखें तो आपको ये बिल्कुल सही नज़र आएगा। अगर कोई दूसरे एंगल से देख रहा तो इसको बिल्कुल ब्लैंक नज़र आएगा, स्क्रीन नज़र नहीं आएगी चलता हुआ। हाँ जी, इसमें अगर आप एक पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, साइड पे बैठा पर्सन आपका पासवर्ड नहीं देख सकता। जी बिल्कुल। तो नेक्स्ट हमारे इसी तरह इसमें ये आया था i3 10th जनरेशन में, जो लो बजट में मशीनें हैं। i3 10th जनरेशन है, इसमें 4 GB रैम है, 1 TB हार्ड ड्राइव और 1 साल की वारंटी के साथ है। और ये बड़ी स्लीक मशीन है और लाइट वेट के साथ है और अब 15 न्यूमेरिक के साथ है ये मशीन। और बाकी हमारे पास और बहुत सारी वरायटी है नए की, जो आपको चाहिए वो मिल जाएगी। तो गाइस आप यहाँ से आके लैपटॉप बाई कर सकते हैं, न्यू भी और आपको यूज्ड भी जो है वो लैपटॉप यहाँ से अवेलेबल हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको तमाम मशीन्स जो हैं भाई ने आपको दिखा दी हैं, काफ़ी अच्छी, आप बिजनेसमैन हो हैं तो आपके लिए, प्रोफेशनल लोगों के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए काफ़ी मशीन्स जो हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिली हैं। आप यहाँ पे मिस्टर लैपटॉप पॉइंट, ये मशहूर है, यहाँ पे एक शॉप है रेक सिटी में, फैसलाबाद में, आप यहाँ से आके बाय भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी करना है। डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप इनको व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आके लैपटॉप विजिट कर सकते हैं और लैपटॉप खरीद सकते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में यही था, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।